गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों चलिए जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज कुछ नए तरीके से नए जोश के साथ और आज हम लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है बीसीईसी का पेपर बिहार कंबाइंड इंटेंस पेपर करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में ठीक है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा पूरा सौ क्वेश्चन है बायोलॉजी का और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है किस तरीके से क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार से बोल रहे थे कि सर बी का पेपर करवा दीजिए जो हमारे लिए hmm, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तो हमने सोचा है कि आपको बी का पेपर पूरा कम्प्लीट करवाएँ और अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन भी बताते चलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक केवल आपको आंसर ही टिक कराया है और आंसर टिक कराने से कोई फ़ायदा नहीं आपको होने वाला जब तक आप उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं जानेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आपके चारों ऑप्शन से बन सकते हैं तब तक आपको फ़ायदा नहीं होना क्योंकि शॉर्टकट पढ़ाई आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा बिना पूरा पढ़े आपका काम नहीं चलने वाला तो आप अपने तरीके से अगर आप कहेंगे तो पूरा मैं सोलूसन बिज सोलूशन बिल्कुल एक एक चीज़ कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपके जो आपका दस अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है बी का बिहार का वो काफ़ी अच्छा हो सके क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है बहुत सारे बच्चों के आई के भी पेपर चल रहे हैं वो एन पढ़ ही रहे हैं मोस्टली पेपर आपका जो बी का वो एन से ही आया हुआ है और एक एक चीज़ मैं आपको बताता चलूंगा ठीक है चलिए ठीक है ठीक है प्रिया शर्मा जी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद ठीक है मैं आपकी बात को सुन लिया हूं कृष्ण कुमार ज्ञानेंद्र मिश्रा ठीक है जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं राहुल कुमार ठीक है सबको गुड मॉर्निंग हमारा राजन गुप्ता प्रिया शर्मा ठीक है रतन प्रिया बहुत सारे लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ नितिन यादव हैं ठीक है चलिए सिंह कुशवाहा प्रिंस सिंह ठीक है बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं सेजल गुप्ता तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन को एक एक देखते हैं क्या है बहुत अच्छे तरीके से चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को किल किए हुए ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया है देख लें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप देखते रहिएगा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को चलिए एक बार सबको शेयर कर दे क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बिहार के जो है वो सब सो रहे हैं बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सो रहे हैं सबको जगाइए है, एक बार जगाइए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करिए क्योंकि आज का सेशन अगर आपने पढ़ लिया ना तो बिल्कुल आपको आंसर टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी अभी तक बहुत सारे लोगों ने केवल आपको आंसर टिक कराया है सामने कोई नहीं आने वाला केवल आंसर आपको टिक कराएंगे लोग और उससे कोई फायदा नहीं बोला जब तक आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं जानेंगे तो कोशिश करिए आप एक एक चीज़ को समझ के चलिए और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे आप कॉपी में नोट करते रहिएगा कॉपी में नोट करिए जो भी डाउट हो आप पूछिए मैं आपको बताता चलूँगा ठीक है चलिए ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल आंसर आना चालू हो गया आपके सामने है आंसर आना भी चालू हो गया है तो फटाफट सभी लोग आंसर बताइए बहुत अच्छी बात है गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन लिखा विच वन इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न लिखा यहाँ पे कौन सा चल प्रणांग कहलाता है पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने लिया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में समझ में आए इंग्लिश वालों को इंग्लिश में तो जिन बच्चों को इंग्लिश में हमें लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है सभी बच्चों को इंग्लिश समझ में आती है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से चलिए ठीक है लिखा है कि कौन सा इसमें से वॉकिंग फर्न है पहला है लाइकोपोडियम दूसरा टेरिडियम तीसरा एडियनटम और लास्ट है इक्वेसीटम तो बच्चों इसका आंसर तो हो गया एडियनटम आंसर तो इसका तीसरा हो गया एडियंटम को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं लेकिन और सारे ऑप्शन देख लेते हैं पहला यहाँ पे लिखा है लाइकोपोडियम बच्चों लाइकोपोडियम को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लब मॉस ये भी याद कर लेंगे इसे बोलेंगे क्लब मॉस के नाम से जानते हैं लाइकोपोडियम kind of को इक्विसीटम इक्विसीटम को बच्चों बोलते हैं हॉर्स टेल इसी बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं इक्विसीटम को हॉर्स टेल को बोलेंगे इक्विसीटम लाइकोपोडियम को बोलेंगे क्लब मॉस और एडियनटम को बच्चों हम लोग बोलेंगे वॉकिंग फर्न ये नोट कर लें क्या बोलेंगे वॉकिंग फर्न के नाम से जानेंगे ठीक है अब आप देख लिए यहाँ से तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कोई भी क्वेश्चन बनेगा भविष्य में ऐसे ही बनेंगे इसी ऑप्शन से उठा करके बनेंगे तो ये बात आप अच्छे से समझ के चलिए चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है मधु सिंह गुड मॉर्निंग ठीक है सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिए फटाफट क्या क्या मैंने बता दिया है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखा है बच्चों लिखा है वन इज कॉल्ड कैल्सी फ्लोरी ये पूछा गया कैल्सी फ्लोरी जो है किस में आता है जो कैल्सी फ्लोरी होता है वो किस में आता है यहां पे पहला है रोजेल्स ओलेकेल्स ओलेके रेनेल्स आप देख सकते हैं हिंदी में भी सेम वही लिखा है बिल्कुल सेम वही लिखा है तो बच्चों इसका आंसर पहला हो जाएगा रोजेल्स जिसमें रोजेसी जिसमें रोज आता है जिसमें रोज आता है गुलाब आता है उसी को बोलते हैं क्या रोजेल्स के नाम से जाना जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पे एक नाम और है सैपिन डेल्स सेपिन डेल्स ये बच्चों मैंगो की फैम मैंगो के बारे में है आप अगर देखेंगे तो सैपिनडेल्स किसका है बच्चों मैं, मैंगो के बारे में बताया जाता है और मैंगो की फैमिली होती है ये तो उसकी फैमिली है सेवन डेज तो फैमिली है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है विच वन इज नॉट ए फ्री लिविंग क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सा फ्री लिविंग नहीं है बच्चों नॉट ए फ्री लिविंग चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा ठीक है इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट सभी बच्चे सबको एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें पूरा बिहार का बच्चा जो जितने भी हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सबको एक बार बताइए सबको शेयर करिए चलिए यहां पर लिखा विच वन इज नॉट ए फ्री लिविंग प्रोटोजुआ इसमें से कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजुआ नहीं है पहला अमीबा युगलीना जी नॉक्टिलुका तो बच्चों जो जी होता है बेसिकली जी होता है ये नॉट फ्री लिविंग ये सिम्बायोटिक होता है बच्चों ये कैसा होता है सिम्बायोटिक होता है ये बात आप नोट कर लें यह सिम्बायोटिक होता है बाकी अमीबा युगलाना नॉक्टिलुका ये तीनों कैसे हैं फ्री लिविंग होते हैं तीनों फ्री लिविंग हैं ये कैसा है बच्चों सिम्बायोटिक तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं फ्री लिविंग है तो आंसर तीसरा सही हो जाएगा ये सिम्बायोटिक होता है ये बात आपको याद करके चलनी है ये कैसा होता है सिम्बायोटिक होता है बाकी अमीबा युगलाना और नॉक्टिलुका ये तीनों कैसे होते हैं बच्चों फ्री लिविंग होते हैं जो आपके बी से सी एग्जाम में पूछा गया बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है ठीक है ठीक है, है सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग संतोष कुमार मिश्रा जी रत्ना पूजा ठीक है हाँ ठीक है नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है विच वन इज होलोफिटिक प्रोटोजुआ यहाँ पे लिखा है होलोफिटिक प्रोटोजुआ कौन सा होता है अब आपको पता है कि होलोफिटिक मतलब क्या होता है फिटिक का मतलब होता है प्लांट जो प्लांट के जैसा कुछ बिहेवियर करता है उसे बोलेंगे होलोफिटिक बोलेंगे तो यहाँ पे लिखा है होलोफिटिक प्रोटो जो बच्चों युगलिना हो जाता है आपको पता है युगलिना जो होता है युगलिना युगलिना जो होता है ये इसके अंदर इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर होते हैं युगलीना के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर होते हैं तो अगर प्लांट प्ला अगर यूगलिना प्लांट की तरह काम करेगा तो उसे बोलेंगे होलोफिटिक क्या बोलेंगे बच्चों उसे बोलेंगे होलोफिटिक उसे बोलेंगे होलोफिटिक और अगर एनिमल की तरह काम करेगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों होलोजोइक तो यहाँ पे पूछा गया है कि होलोफिटिक कौन है तो होलोफिटिक बच्चों हो जाएगा पहला हो जाएगा यूगलिना हो जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा होल यूगलिना अच्छा एक बात और जान ले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ ये बच्चों मिक्सोट्रॉपिक होता है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है ये मिक्सोट्रॉपिक हो सकता है मिक्सो का मतलब क्या होगा बच्चों कि यह आटो भी हो, भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है युगलीना जब आटोट्रॉपिक होगा तो वह प्लांट की तरह काम करेगा और जब हेटरोट्रॉपिक होगा बच्चों तो वह एनिमल की तरह काम करेगा इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं ठीक है अगर लाइट नहीं है तो वह एनिमल की तरह काम करेगा लाइट अगर है तो वह प्लांट की तरह काम करेगा प्लांट से अपना भोजन बना लेगा मतलब यह बहुत ही अच्छा एनिमल है कहने का मतलब मेरा यह है ठीक है यह सारी चीजें जो मैंने बताई एक ही चीज आप दिमाग में बैठा करके चलिए क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा जो आएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है विच इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पंज यहां पे स्पंज के बारे में बात की गई है जो पोरी फेरा होते हैं जो पोरी फेरा होते हैं उसके बारे में बात की गई कि उनका रेंज पूछा गया उनके साइज का रेंज पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना उनका रेंज या साइज हो सकता है देख लें यहाँ पे इनका जो साइज होता है बच्चों लगभग एक सेंटीमीटर से लेकर के एक मीटर के आसपास होता है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा दूसरा वाला इनका जो रेंज होता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पोरी फेरा के नाम से जानते हैं पोरी फेरा आपको पता है पोरी फेरा को तो पोरी फेरा मेंबर में एक सेंटीमीटर से लेकर के एक मीटर तक एक सेंटीमीटर से एक मीटर तक ये सिस्टम होता है इनके बॉडी का साइज होता है यहां पे आंसर भी देख सकते हैं आप दूसरा वाला सही है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ठीक है चलिए मोस्ट वेलकम सभी बच्चों का कनिका शर्मा राघव राजपूत हिंदुस्तान ठीक है रुलानिया ठीक है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी बच्चों बार फिर से गुड मॉर्निंग है हंसते हंसते बिल्कुल गुड मॉर्निंग चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पे लिखा है बच्चों पोटोरियॉन इज ऐज एग्जाम्पल ऑफ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया कि जो पोटोरियन होता है ये किसका एग्जाम्पल है किस फाइलम का है ये बेसिकली क्वेश्चन फाइलम से आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं पोटोरियन किसका एग्जाम्पल है तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से प्रोटोजोआ लिखा है तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि प्रोटोजोआ का है तो नहीं है बच्चों नाइडेरिया का नहीं है पोरीफेरा का है बिल्कुल सही तो ये आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा पोरीफेरा पोरीफेरा मैं आपको पांच एग्जाम्पल पोरीफेरा का और बता दे रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए देखें जरा क्या है पोरीफेरा का एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं पोरीफेरा देख लें पोरीफेरा और पोरीफेरा बच्चों क्या क्या हो सकता है देख लें पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे साइफा ठीक है साइफा हो गया इसको बोलते हैं साइकॉन आपको पता होगा इसका नाम होता है साइकॉन को साइफा बोलते हैं इसके बाद आता है साइकॉन बा यू स्पंजिया यू स्पंजिया ये भी एन में सब दिया है इस यू स्पंजिया इसको बोलते हैं बच्चों बाथ स्पंज नहाने वाला बहुत सारे लोग जब नहाते हैं तो एक प्रकार का वो शरीर को खुरचने वाला होता ना जो लोग शरीर को साफ करते हैं बाथ स्पंज स्पंजिला, इस स्पंजिला, इस इसे बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पंज क्या बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं तो ये आप तीन चार नाम अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काम चल जाएगा एक नाम है बच्चों ल्यूकोसोलेनिया ये भी पता होगा आपको ल्यूकोसोलेनिया नाम है ठीक है ये सारे किसके एग्जाम्पल बच्चों पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं तो यहां मैंने बता दिया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है लिखा दिस इज ए नाइडेरिया नॉट ए नाइडेरिया यहां पूछा कौन सा टीनोफोरा का एग्जाम्पल नहीं है चलिए बताइए बराबर ठीक है बताइए जरा इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा कि कौन सा नाइडेरिया का एग्जाम्पल नहीं है कौन सा सिलेंटेटा का एग्जाम्पल नहीं है तो आप देख सकते हैं ये जो चौथा ऑप्शन है बच्चों ये सिलेंटेटा नहीं होता है ये क्या होता है बच्चों ये टीनोफोरा का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है ये टीनोफोरा का एग्जाम्पल है टीनोफोरा का एग्जाम्पल होता है बेरोई बेरोई टीनोफोरा का एग्जाम्पल होता है दो तीन एग्जाम्पल और जान ले टीनोफोरा का अगर मैं यहाँ पे टीनोफोरा लिखूं बच्चों तो टीनोफोरा जो होता है उसके तीन एग्जाम्पल आपको याद करके चलने हैं पहला नाम है बेरोई पहला हो गया बेरोई एग्जाम्पल दूसरा बच्चों टीनो प्लाना जो आपके एन में लिखा है टीनो प्लाना और तीसरा है बच्चों प्लूरोब्रेंकिया क्या नाम है प्लूरोब्रेंकिया ठीक है प्लेरोब्रेंकिया ये तीन एग्जाम्पल आपके दिया है ये एन सी आर टी में दिया ये रमेश गुप्ता में दिया है ठीक है ये वाला बाकी दोनों दिए हैं तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा चौथा ये तीनों का है बाकी सी एनीमून एडेम्सिया ओबेलिया और ऑरेलिया ये तीनों सिलेंट्रेटा के हैं ये भी सिलेंट्रेटा का है ये भी सिलेंट्रेटा का है और ये भी सिलेंट्रेटा का है ठीक है चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं ना बिल्कुल चलिए समझ में आ रहा है ना भैया ठीक है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे लिखा बिचवन आप कॉल हुक वार्म यहां क्वेश्चन पूछा गया कौन सा हुक वार्म का एग्जाम्पल है हुक वार्म क्या होता है बच्चों आपको पता है एनसाइलो स्टोमा जो एंसाइलो स्टोमा होता है इसे बोलते हैं हुक वार्म ये भी देख लें इसे क्या बोलेंगे हुक वार्म के नाम से जाना जाता है एनसाइलो स्टोमा को यहां पे देख लें एस्कैरिस एस्रिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है एस्कैरिस को अच्छा एंट्रोबियस यहाँ पे एंट्रोबीरस लिखा है इसे बोलते हैं बच्चों पिन वार्म क्या बोलेंगे पिन वार्म के नाम से जानते हैं तो देख लीजिए मैंने तीन चार क्वेश्चन आपको बता दिए यहां से बिल्कुल एक एक चीज एस्कैरिस को बोलेंगे राउंड वार्म एंट्रोबियस को बोलेंगे पिन वार्म एनसाइलोस्टोमा को बोलेंगे हुक वार्म यहाँ पे हुक वार्म के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर पहला हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ठीक है ठीक है, है जागृति सिंह ठीक है प्रिया शर्मा ठीक है सारे बच्चे बिल्कुल फटाफट आज जाएं, गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से लिखा यहां पे फाइलम एनलिडा के बारे में पूछा गया है जो फाइलम एनिलीडा होता है उसमें अर्थवम आता है आता है और लीच आता है तो बच्चों सीधे याद कर लीजिए नौ हजार नाइन हंड्रेड नौ हजार के, के आसपास इनकी स्पेश के बारे में खोजा गया है इनकी पूरी स्पेसी के बारे में ठीक है नौ हजार के आसपास चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है लिखा है एमंग फॉलोइंग ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड थ्रो मॉइस्ट स्किन चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा कौन सा ऐसा एनिमल है जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपने ऑक्सीजन की एक्टिविटी का काम करता है अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले सकता है बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट लिखा इसमें रक्त का ऑक्सीजन नम त्वचा द्वारा होता है किसमें होता है किसमें होता है ठीक है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचे क्योंकि लगातार बी -सी, सी बिहार का पूरा जितना पेपर है सब करार देंगे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं पूरा डिस्कशन के साथ फुल कंप्लीट डिस्कशन के साथ अगर आप केवल आंसर चाहते हैं तो वो भी बताइएगा मैं केवल आपको आंसर बताता चलूंगा डिस्कशन नहीं कराऊंगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको केवल आंसर आंसर बताया उससे कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पर लिखा है कि आंसर हो जाएगा बच्चों अर्थवम क्या हो जाएगा अर्थवम हो जाएगा अर्थों में आपको पता है बिल्कुल गीला गीला होता है बरसात के सीजन में निकलता है उसकी पूरी स्किन कैसी होती है बिल्कुल गीली होती है मॉइस्ट होती है उसी के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या करता रहता है जाता रहता है और उसी के थ्रू सीओ आग... क्या करती रहती है बाहर आती रहती है तो बाई डिफ्यूजन ओ और सी का ट्रांसपोर्ट होता रहता है बाई द मॉइस्ट स्किन चलिए अच्छा मॉइस्ट स्किन एक में और होता है जिसका नाम होता है फ्रॉग फ्रॉग में भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पेरेशन होता है उसमें भी रेस्पिरेशन होता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है दिस इज माउथ ऑन लोअर साइड एंड एन एस ऑन अपर साइड बच्चों जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज बना दूं यहां पे मैं बना दू एनएस ये ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम लोग बोल देंगे एन एस हिंदी बोलते हैं गुदा ये एन एस है और यहाँ पे मैं माउथ बना दे रहा हूं ये माउथ है माउथ देख लें तो माउथ बच्चों कहाँ पे है नीचे माउथ नीचे है और एनएस कहाँ पे है ऊपर है आप देख सकते हैं ये जो करेक्टर होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है ये करेक्टर फाइलम इकाइनोडर्मेटा में इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है ये सबसे बड़ा करेक्टर इकाइनोडर्मेटा का है बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाइनो का चौथा एग्जाम्पल है सी अर्चिन उसको बोलते हैं इक्कीनस इक्कीनस को बोलते हैं सी अर्चिन जो इकानो का मेंबर है उसमें एनस ऊपर होता है और माउथ नीचे होता है आप एनसीआरटी खोले रहिए अगर आपके पास एनसीआरटी है तो जितने मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं आप देखते रहिए एनसीआरटी से फाइलम में आप इलेवेंथ वाली एनसीआरटी खोली और फाइलम खोली इकाइनो उसमें देखिए सारे ऑप्शन दिए हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ठीक है चलिए ये वाला देखेगा ये वाला ठीक है चलिए लिखा है दिस इज आल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश चलिए इसके बारे में बताइए क्या है फ्लाइंग फिश के बारे में बताइए <coughs> जो ही बच्चे बिल्कुल लेट आ रहे हैं उनको सबको मेरा गुड मॉर्निंग है बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग है हमारा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं कराने वाला आपको लाइव क्लास में कोई आपको इतनी सारी चीजें नहीं बताने वाला इतना पक्का मेरी गारंटी है क्योंकि मैं करा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं भी सबको देखता रहता हूँ कौन कैसे पढ़ा रहा है बाकी सारे लोग केवल आपको आंसर बताएंगे आंसर से कोई मतलब नहीं है आंसर तो मैं बताऊंगा पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है सिलेक्शन लेना है तो पूरा विधिवत पढ़ना पड़ेगा शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है बच्चों आपको जानना पड़ेगा फुल टर्न पे चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल सही फ्लाइंग फिश के बारे में इग्जो सीटस यहाँ पे देख लें जो ये इग्जो सीटस बच्चों इसी को बोलेंगे फ्लाइंग फिश सेकेंड ऑप्शन सही से हो जाएगा एक जो सीटस बोलेंगे <coughs> फ्लाइंग फिश को देख लें स्कालियोड को क्या बोलेंगे बच्चों डॉग फिश ये भी देख लें स्कालीडॉन को बोलेंगे डॉग फिश पहला ऑप्शन स्काली डॉन को डॉग फिश प्रिस्टिस को क्या बोलेंगे बच्चों साफिस ये भी सब एन में दिया है प्रिस्टिस को क्या बोलेंगे साफिश बोलेंगे ट्राइगन को क्या बोलेंगे बच्चों स्टिंग रे बोलेंगे ये सारे नाम आप याद करके चलिए ये सब एनसीआर में दिया है ट्राइगन को क्या बोलेंगे स्ट्रिंग रे बोलेंगे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए डॉन को को बोलेंगे को बोलेंगे साफिस, और ट्राइगन को बोलेंगे बच्चों स्ट्रिंग रे बोलेंगे तो यहाँ पे फ्लाइंग फिश के बारे में पूछा गया बच्चों फ्लाइंग फिश हम बोलते हैं बच्चों इजो सीटस को तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा वाला सेकेंड वाला चलिए समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चों को किसी बच्चे को ठीक है एक बार बता दीजिए किसी बच्चे को समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है एक बार सही बताइए भैया जल्दी जल्दी सबको समझ आ रहा है ना ठीक <coughs> है चलिए ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है लिखा यहां पे दिस इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश यहाँ पे कौन सी अलमड़ी जल मछली नहीं है फ्रेश वाटर फिश नहीं है बताइए जरा ठीक है इसमें कौन सी फ्रेश वाटर फिश नहीं है ठीक है कौन सी फ्रेश वाटर फिश नहीं है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉम्फ्रेट्स ये बच्चों मैराइन फिश है कैसी फिश है ये मैराइन फिश है जान लें ये गंदे पानी में पाई जाती है तो ये मैराइन फिश होती है ये भी याद कर लें कभी आपसे क्वेश्चन अगली बार पूछे बताओ कौन सी मैराइन फिश है तो पॉम्फ्रेट्स मैराइन फिश है बाकी रोहू कटला कालबासु ये सब कैसी फिश हैं? फ्रेश वाटर फिश होती हैं, ठीक है फ्रेश वाटर फिश होती हैं। है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ठीक है चलिए बताइए जरा द नंबर ऑफ डिजिस्ट इन लिम्ब्स यूज फॉर वॉकिंग बाय रेप्टाइल्स चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों जो रेप्टाइल्स होता है यहां पे देख लें जो रेप्टाइल्स होता है इसमें टू पेयर लिम्स पाए जाते हैं टू पेयर लिम्स पाए जाते हैं यहां पे टू पेयर लिम्स पाए जाते हैं लेकिन पूछा क्या गया है फॉर वॉकिंग बाय रेपटाइज यहां डिजिट पूछा गया कितनी उंगलियां पाई जाती हैं तो पांच ये भी याद कर लें टू पेयर लिम्स लेकिन डिजिट कितने है डिजिट है। डिजिट हैं बच्चों फाइव है? डिजिट हैं फाइव डिजिट पाई जाती हैं ठीक है फाइव डिजिट पाई जाती हैं तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यहां पे क्लियर सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन बर्ड बताइए जरा क्रेनियल नर्व इन बर्ड कितनी होती हैं? जो क्रेनियल नर्व होती है बर्ड में बच्चों याद कर लें जो क्रेनियल नर्व है जो क्रेनियल नर्व है वो कितना होता है बच्चों ट्वेल्व पेयर होती है ट्वेल्व पेयर होती है तो याद कर लें यहाँ पे ट्वेल्व पेयर होती है लेकिन जो फ्रॉग होता है उसमें टेन पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है दस पेयर क्रैनियल नर्व फ्रॉग में पाई जाती है हम लोगों में भी बारह पेयर क्रेनियल नर्व और थर्टी वन पेयर स्पाइनल नर्व पाई जाती है याद कर लें ह्यूमन में थर्टी वन पेयर स्पाइनल नर्व और ट्वेल्व बारह पेयर क्रैनियल नर्व पाई जाती है ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप नोट करके ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला लिखा है थंब पूछा गया कि किसमें उल्टा थंब उल्टा अंगूठा पाया जाता है तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों लें, 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 ठीक है लीमर इसे बोलते हैं लीमर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा लीमर में उल्टा अंगूठा उल्टा थम्ब पाया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए लिखा दिस इज होली वो आर पार्टली लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से उड़ने की क्षमता खो देती है कौन सी कौन सी बर्ड है जो पूरी तरह से उड़ नहीं पाती है बताइए जरा क्या होगा इसका क्या आंसर होगा इसका ठीक है चलिए जो एमू होती है बच्चों ये फ्लाइटलेस बर्ड है कैसी है ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है फ्लाइटलेस बर्ड है ये ठीक है फ्लाइटलेस बर्ड है और ऑस्ट्रिच आप लोगों को सुना होगा ऑस्ट्रिच सुतुर्मुर्ग के बारे में सुतुर्मुर्ग ये भी कैसा है बच्चों ये भी फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑस्ट्रिच भी फ्लाइटलेस बर्ड है और एमू भी फ्लाइटलेस बर्ड होती है दोनों होते हैं तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट लिखा है व्हाट व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी इन ऑरेंज ये पूछा गया डाई के बारे में और डाई के बारे में जो आंसर इसका है बच्चों हो जाएगा फ्लोरोसेंस सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्त के बारे में सही है चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट लिखा है इन ऑर्डर टू सेडिमेंट फ्री राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन रिक्वायर्स ये राइबोसोम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी सेंडिमेंटेशन फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर होती है किसी भी राइबोसोम को सेडिमेंट करने के लिए तो यहाँ पे तीन लाख हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दजा लाख तीन लाख के आसपास आसपासन हमें चाहिए होता है इसको सेपरेट करने के लिए और एक बात और जान लें जो राइबोसोम होता है यहां पे बच्चों मैग्नीशियम आयन पाया जाता है इसमें यह भी याद कर लें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है राइबोसोम के अंदर जब दो जब राइबोसोम टूटता है तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है कम हो जाती है यह जान लें जब मैगनी राइबोसोम टूटता है 60 और 40 में 50 और 30 में तो वहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जब वह जुड़ता है तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ये दोनों नाम याद करके चलिएगा जब टूटेगा तो मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन कम जब जुड़ेगा तो मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी चलिए यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं नेक्स्ट ठीक है थोड़ा सा जूम करिए ज़रा। ठीक है लिखा इज जनरली यूज फॉर लिखा क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्री फ्यूगेशन यहां पूछा गया है कि केंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला केमिकल कौन सा है बच्चों जो केमिकल होता है उसका नाम होता है सीजियम क्लोराइड सीजीएम सी एस सी एल ये एनसीआर टी में दिया है याद कर लें एनसीआर में दिया है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो C.G.M. क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी के लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देख लें ठीक है लिखा है अगला क्वेश्चन लिखा द टेक्निक सेपरेट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिकुलर वेट बच्चों मालिकुलर वेट के हिसाब से अगर किसी को सेपरेट करना है तो उसका नाम होता है जल फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा जल फिल्ट्रेशन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां से चलिए अगला देखते हैं अगला लिखा है विच एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज पेप्टाइडोग्लाइकन्स बच्चों जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है वो बैक्टीरिया की सेलवाल में पाया जाता है बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है हमारे माउथ में जो भी बैक्टीरिया अगर आते हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है लाइसोसोम करता है लाइसो जाइम करता है लाइसोसोम नहीं लाइसो जाइम करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम बच्चों लाइसोजाइम जो हमारे आँखों में भी प्रेजेंट होता है और सेलाइबा में भी प्रेजेंट होता है सेलाइबा में टाइलिन भी होता है एमाइलेज भी होता है लाइसोजाइम भी होता है हमारी आँखों में भी लाइसोजाइम होता है यह बैक्टीरिया को क्या करता है ब्रेक ब्रेकडाउन उसके सलवार को तोड़ने का काम करता है क्योंकि तो बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है विच वन विच पार्ट ऑफ सेल कैन कंटेन एन एसिटिल ग्लूकोसामीन यहां पूछा गया कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन किस में पाया, तो में, पाया में पाया जाता है तो बच्चों सेलवाल में पाया जाता है याद कर यह बैक्टीरिया की सेलवाल में पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड ये सब बैक्टीरिया की सलवाल में पाए जाने वाले कंपाउंड है सलवाल में पाया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा यहां पे दीज कैन बी सराउंडेड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कौन से एक लेयर से ले, क्या नाम है सराउंड होती है उसको बोलते हैं सल्फर ग्लैन्यूज पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ये सल्फर ग्लैन्यूज को हम लोग क्या करते हैं सिंगल लेयर से क्या करते हैं सराउंड करते हैं सिंगल लेयर से सराउंड किया जाता है सिंगल लेयर से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे लिखा है हाउ मेनी बेसल बॉडी रिंग आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल ग्राम पॉजिटिव सेल का मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है ये तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बच्चों उसमें जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो केवल दो पाए जाते हैं ये भी याद करके चलिएगा ये केवल दो पाया जाता है ये केवल दो पाया जाता है ओनली दो अगर हमारी बॉडी में बात करें तो नाइन प्लस टू का अरेंजमेंट होता है सीलिया सीलिया और फ्लैजिला का जो आ, सेल बायोलॉजी के चैप्टर में दिया है बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला नाइन प्लस टू के अरेंजमेंट में होता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है द फिलामेंट इन फ्लैजिला कैन बी रोटेट बच्चों जो आ, म, क्या नाम मच्छर होते हैं मॉस्किटो उनका जो फ्लैजिलम होता है वो 360 डिग्री पर वो रोटेट कर सकते हैं चाहे वो काकरोच हो चाहे मॉस्कीटो वो 360 डिग्री पर अपने उसको क्या करते हैं रोटेट कर सकते हैं और उसे इन्वायरमेंट में जो हो रही हलचल है उसको वो पता लगा लेते हैं ठीक है वो मॉनिटरिंग का काम करता है तो तीन डिग्री सेल्सियस पे वो यहाँ पे बैठे होंगे वो चारों तरफ अपने सूंड को घुमाएंगे और पता लगा लेंगे कि ह्यूमन कहाँ पे बैठा है वहीं पे जाकर के उसका ब्लड को क्या करेंगे शक करने लगेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है दिस टाइप ऑफ वैक्यूल कंटेन हाइड्रोलेज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, है कि जो वैक्यूल्स होता है उसमें हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन सा वैक्यूल्स है तो वो बच्चों फूड वैक्यूल्स होता है फूड वैक्यूल्स अमीबा में पाया जाता है पैरामीशियम में पाया जाता है अमीबा पैरामीशियम में ये फूड को डाइजेस्ट करने वाला उसमें एंजाइम होता है उसका नाम होता है हाइड्रोलेज तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ पे सैप वैक्यूल्स भी होता है याद कर लें सैप वैक्यूल्स में एंथोसाइनिन पाया जाता है ये नाम याद नोट कर लें सैप वैक्यूल्स में एंथोसाइनिन पाया जाता है जिसकी वजह से फ्लावर का कलर आता है रेड ब्लू ब्राउन जैसी भी होते हैं उसमें क्योंकि एंथोसाइनिन घुल जाता है कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि जो एंथोसाइनिन है ये वाटर सेलिबुल है कि नहीं है ये वाटर सेलिबुल है सेल सैप में प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर वही कलर देने का काम करता है दूसरा देखिए जरा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल यहाँ लिखा है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है बच्चों ऑसमो रेगुलेशन का पैरामीशियम में अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन उसके स्क्रेटरी मटेरियल को बाहर अंदर ले जाने का काम करता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल ये केवल अमीबा में होता है कॉन्टेक्टेट वैक्यूल कभी भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है तीसरा ऑप्शन यहाँ लिखा है फूड वैक्यूल तो फूड वैक्यूल भी होता है पैरामीशियम के अंदर और अमीबा के अंदर जिसमें हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं चलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया अगला देखते हैं <coughs> अगला देखते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लिखा है क्रिस्टी किसमें पाई जाती है लिखा है विच कंटेन क्रिस्टी बच्चों आपको पता है जो क्रिस्टी होता है वो पाया जाता है केवल केवल माइटोकॉन्ड्रिया में कहा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाया जाता है आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्डिया के अंदर ऑक्सीसोम पाया जाता है माइटोकॉन्डिया के अंदर पार्टिकल पाया जाता है ये सारे नाम आप याद कर लीजिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलोकाइड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमा लैमली होता है ये सारे नामो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं तो जो नाम मैं बोल रहा हूँ जो आपको लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वाला लिखा है प्रोटीन लिखा प्रोटीन विच हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली आल कार्ड यहां पर वह प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन को ठीक प्रकार मॉडरेट करने में सहायता करती कहलाती है तो उसे बोलते हैं बच्चों चैपोरिन प्रोटीन जो एमपी कौशिक बुक में दिया है चैपोरिन प्रोटीन तो यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चैपोरिन चैप्रॉन्स या बोलेंगे चैप्रॉन्स प्रोटीन बोलेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है प्रटिक प्रेजेंट प्रेजेंटिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रैक्टिक पॉलीसेक्राइट होता है ये बच्चों प्राइमरी वॉल में प्राइमरी सेलवॉल में प्रेजेंट होता है यहां पे देख लें प्राइमरी वॉल तीसरा ऑप्शन लिखा है सेकेंडरी वॉल में टर्सरी सेलवाल में नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता या केवल केवल प्राइमरी सेलवाल में पाया जाता है चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है इन ईडियोग्राम इन ईडियोग्राम यहाँ पे ईडियोग्राम के बारे में पूछा गया है लिखा है क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर बच्चों जो ईडियोग्राम होता है ये किसी भी क्रोमोसोम के घटते हुए साइज को बताता है ईडियोग्राम किसी भी क्रोमोसोम के गुणसूत्र के घटते हुए साइज के बारे में बताता है तो यहाँ पे देख लें डिक्रीज इन साइज सेकेंड ऑप्शन घटता हुआ आकार किसी भी क्रोमोसोम का उसे बोलते हैं इडियोग्राम बोला जाता है ठीक है इडियोग्राम बोला जाता है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे बच्चों को अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े भी नहीं है बहुत सारे बच्चों को आप सब्सक्राइब करिए भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए सबको जोड़िए बिल्कुल क्योंकि पूरा बिहार बिल्कुल देखना चाहिए ची पूरे वीडियो को पूरा बिहार क्योंकि सब बहुत ही बेहतरीन है सारे बच्चों के लिए बिल्कुल बिहार के अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि फ्लो साइटोमेट्री अलाउ डिटेक्शन ऑफ ऑफ डिफरेंस इन लेंथ न्यूक्लिक एसिड एज स्मॉल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसी भी न्यूक्लिक एसिड के लेंथ के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें कितना मेगा बेस पेयर लेना पड़ेगा तो यहां पे बच्चों पहला वन पॉइंट फाइव मेगा एम बी पेयर एम बी पेयर वन पॉइंट फाइव एम बी पेयर हमें लेना पड़ेगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं ठीक है अगला देखते हैं क्वेश्चन यहां पे लिखा है मॉलिपडेनम इज पार्ट ऑफ दिस एंजाइम यहां लिखा है जो मॉलिपडेनम होता है बच्चों वो किसका पार्ट होता है तो यहां पे जान ले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो नाइट्रोजिनेज होता है बच्चों ये नाइट्रोजिनेज देख लें ये जो नाइट्रोजिनेज होता है बच्चों यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं एक होता है आयरन और एक होता है मॉलिपडेनम याद कर लें इसमें दो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे नाइट्रोजिनेज में दो एलिमेंट पाए जाते हैं आयरन भी होता है और मोलिपडेनम तो अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताओ क्या आयरन भी होता है नाइट्रोजिनेज में यस yes, होता है मोलिपडेनियम भी होता है यस yes, होता है इनका काम क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करने का काम होता है तो यहां पर देख लें ये भी ऑप्शन ये लिखा है बच्चों एनसीआरटी में लिखा है ये आप एनसीआर टी खोलेंगे uh, my, my, uh, क्या नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट वाले में वहां पे दिया है ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ठीक है next. 2015 का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है बच्चों ठीक है 2015 का आप लोग ध्यान से पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है आपस में बातें ना करिए ठीक है चलिए लिखा है द लिंकेज इन डाई लिखा है जो डाई होता है कल ही मैंने बताया था कल की क्लास में जो बच्चे देखे होंगे मैंने बताया था जो लिंकेज link, होता है वो क्या बताता है लिंकेज डाई में क्या होता है तो मैंने बताया था जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है जितने भी फैटी एसिड उसमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है जितने भी प्रोटीन है सब में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड पाया जाएगा जितने भी डाइसेकराइड होंगे सब में फाइसफो डाइस्टर बॉन्ड पाया जाएगा अब एमाइड किसमें जाता है बच्चों एमाइड पाया जाएगा प्रोटीन में एमाइड लिंकेज किस में होगा प्रोटीन में होगा या पेप्टाइड एमाइड बोले या पेप्टाइड एस्टर लिंकेज किस में होगा बच्चों फैटी एसिड या लिपिड्स में पाया जाएगा फैटी एसिड या लिपिड में पाया जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लिखा दिस इज वैक्स डिजी पूछा है बताओ कौन सा वैक्स है एक मोम है बच्चों मोम कौन सा होता है वैक्स कौन सा होता है यहां पे हो जाएगा आंसर हेक्सा कोशिल पामिटेट एक टाइप का वैक्स होता है एक टाइप का फैटी सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हेक्सा कोसिल पामिटेट बाकी सारे जो हैं ये सब वैक्स नहीं है ये अमीनो एसिड है पामिटिक एसिड एक टाइप का ये भी फैटी एसिड है फैटी एसिड है लेकिन वैक्स नहीं है चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे नॉट ऑल प्रोटीन है कौन सारे प्रोटीन क्या नहीं रख सकते हैं बच्चों उनके पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन के पास हो सकता है लेकिन सारे प्रोटीन के पास कभी भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर केवल केवल हीमोग्लोबिन के पास होता है जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, बायो है उसमें तो ये बच्चों केवल केवल किस में होगा हीमोग्लोबिन में, में पाया जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसी बार ये नेटिव एग्जाम में पूछा गया है इसी बार पूछा गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है बच्चों ट्राई इसका मतलब जहां पे तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे जैसे मान लीजिए ये कोई है ये कोई एमआर ने इस पर तीन अमीनो एसिड जोड़ दीजिए ये अमीनो एसिड है अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड है तीन अमीनो एसिड जोड़ दीजिए इसे क्या बोल देंगे ट्राई बोल देंगे क्या बोल देंगे ट्राई बोल दिया जाएगा तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तीन अमीनो एसिड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला लिखा है हाउ मेनी फास्ट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ए टी पी जो ए टी पी होता है बच्चों उसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राई इसमें कोई भी फास्ट बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं ये भी याद कर लीजिए जीरो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है जीरो हो जाएगा इसमें चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है लिखा है व्हाट इज द पीएच ऑफ ऑप्टिमम पेप्सिन जो पेप्सिन होता है उसका ऑप्टिमम पीएच पूछा गया है कितना होता है कोई भी प्रोटीन का पीएच कितना हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमारे स्टमक आपको पता है प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है और जो स्टमक होता है उसका पीएच कितना होता है लगभग वन एक से तीन के आसपास होता है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं लगभग दो के बीच में तो ऑप्शन पहला हो जाएगा तो ये जो पेप्सिन होता है बच्चों प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम होता है और ये इसका पीएच होता है लगभग एक से दो के आसपास होता है हाईली एसिडिक होता है क्योंकि हमारे स्टमक में एच नाम का एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड पाया जाता है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है विच हैज स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ या क्वेश्चन पूछा गया क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चों तो जान लें टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा टीआरएनए के बारे में बता दे रहा हूं टीआरएनए जो टीआरएनए होता है ये बच्चों किस लाइक क्लोवर लीफ लाइक होता है ये भी एनसीईआरटी में लिखा है क्लोवर लीफ लाइक होता है अगला देख लेंगे ये इनवर्टेड एल जैसा होता है इनवर्टेड एल आकार का होता है ठीक है इनवर्टेड आकार का होता है स्पेसिफिक होता है specific होता है, इसी को यस yes, आर भी बोलते हैं सोलबुलर एन एस का मतलब होगा सोलूबुल याद कर लें, ले yes का मतलब होगा सोलूबुल आर इसी को बोलते हैं टी आर एन ए को ये चार पांच नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ठीक है चलिए तो आंसर यहां पे हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा टी आर एन ए हो जाएगा टी आर एन ए हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्टोमाइसिन कौन सी एंटीबायोटिक जो स्टेप्टोमाइसिन से प्रोड्यूस नहीं होती है यहां पे हो जाएगा बैसिट्रेसिन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बैसिट्रेसिन ठीक है चलिए अगला देखते हैं लिखा फिग यहाँ फ्रूट का नाम पूछा गया जो फिग होता है उसके फ्रूट का नाम क्या होता है साइकोनस याद कर लेंगे साइकोनस हो जाता है ठीक है अच्छा ड्रूप किसका होता है बच्चों मैंगो का हाँ होता है मैंगो का फ्रूट का नाम ड्रूप कोकोनट ये दो नाम याद कर लें मैंगो और कोकोनट के फ्रूट का नाम क्या होता है बच्चों ड्रूप होता है अच्छा बेरी किसका होता है बच्चों जैसे बेरी हो जाएगा गुआवा का किसका गुआ का हो जाएगा टोमेटो हो जाएगा टोमेटो हो जाएगा चिली हो जाएगा ब्रिंजल हो जाएगा ब्रिंजल ये सारे नाम किसके हो जाएंगे किसके हो जाएंगे बच्चों बेरी के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेरी सोलेनेसिम पाया जाता है ड्रूप पाया जाता है बच्चों मैंगो में और कोकोनट में सोरोसिस पाया था पाइन एप्पल में जो सोरोसिस फ्रूट है ये पाया जाएगा पाइन एप्पल में पाइन एप्पल में पाया जाएगा तो एक ऑप्शन को मैं बिल्कुल क्लियर करके बता के चल रहा हूँ आपको सब नोट करके चलिए ठीक है तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों सेकेंड हो जाएगा फिक का हो जाएगा साइकोनस हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं बिल्कुल नेक्स्ट ठीक है हाँ ब्रिंजल बोलेंगे उसे भाटा बोल रहे हैं बिहार वाले लोग भाटा बोलते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है लिखा है द नंबर ऑफ स्टोमेटल पोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द लीफ सर्फेस एरिया इन द रेंज बच्चों ये पाया जाता लगभग एक हजार से साठ हजार के आसपास पाया जाता है पर स्क्वायर मीटर में एम पी कौशिक में दिया है ये बुक्स ये बुक्स जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम में होती है वहां पर दिया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है विच वन आन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में पोटेशियम एंड जिम्मेदार होता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा पोटेशियम एंड जिम्मेदार होता है चलिए अगला देखते हैं लेखा ड्यूरिंग ड्यूरिंग सिम्बैटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी मॉलिकूल ऑफ ए टी पी आर प्रोड्यूसड इन वन मॉल ऑफ नाइट्रोजन नीट एन सी आर टी में इसी बार नीट में इसी बार पे, पेपर में क्वेश्चन आया था कि कितने मॉलिकूल <coughs> यहाँ पे पूछा गया कितने मॉलिकूल ए टी पी बनेंगे लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बनता है एन एच थ्री के साथ एच टू भी बनता है ये भी जान लें ये रिएक्शन दी गई वहाँ पर तो इस रिएक्शन के साथ साथ बच्चों अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन बनता है और इसको बनाने के लिए हमें 16 एटीपी की जरूरत पड़ती है तो आंसर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा सोलह ए बनेगी आप माइक्रोन्यूट्रियट वाला चैप्टर पढ़िए प्लांट फिजियोलॉजी में वहां पर फिगर बना के दिया है और रिएक्शन बना के दिए उसको आप जरूर देख लीजिए जिन बच्चों के पास एनसीआरटी है तो 16 एटीपी की जरूरत हमें पड़ती है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है इन रिडक्टिव एमिनेशन वन प्रोडक्टिव ये बी एन सी आर टी से क्वेश्चन है यहां पे हो जाएगा ग्लूटामेट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ग्लूटामेट तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट लिखा फोटो रिक्वायर दिस एक्टिविटी बाय एन एंजाइम यहां पूछा गया कि जो फोटो होता है वो कहां चलता है प्राक्सोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोरिस्प्रेशन परॉक्सीसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है वहीं पे वहीं पे ऑक्सीजन की एक्टिविटी होती है और पहली बार जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से जुड़ता है तो पहली बार एक कंपाउंड बनाता है जो इसी बार नीट में पूछा गया था थ्री कार्बन कंपाउंड उसका बोलते हैं पी उसको बोलते हैं थ्री पी यही बिल्कुल नीट में क्वेश्चन सेम आया हुआ है थ्री पी जब रुबिस्को एंजाइम देख लें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुबिस्को रूबिस्को प्लस ओ टू जब ये कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है स्टेबल कंपाउंड पहला स्टेबल कंपाउंड और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चों दो मॉलिक्यूल बनता है टू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री पी जी थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कोई भी तो ये प्रोडक्ट बनता है आप एनसीईआरटी खोलिए फोटो रेस्परेशन खोलिए वहां पे आपको मिलेगा ये बिल्कुल लाइन ही लिखी गई क्लियर कट ठीक है तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड हो जाएगा ऑक्सीजिनेस के वजह से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है लिखा है दिस इज नॉट एन सेथरी प्लांट यहां पूछा गया कौन सा क्षेत्री पौधा नहीं है तो एमरेंथस नहीं होता बाकी सब क्षेत्रीय प्लांट है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है विच वन है द लोवेस्ट रेस्परेटरी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि किसका शोषण भागफल सबसे न्यूनतम होता है ट्राई का याद कर लें जो ट्राइन पामिटिंग होता है ट्राई पामिटिंग जो होता है ठीक है इसका कितना होता है बच्चों पॉइंट सेवन होता है पॉइंट सेवन होता है एनसीईआरटी में दिया जिसको देख लीजिएगा चलिए अगला देखते हैं चलिए यहाँ पर लिखा है विच ऑफ़ द फर्स्ट कंपाउंड विच इज कॉमन फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रोक्टोज इन ग्लाइकोलिस तो बच्चों कॉमन होता है फ्रक्टोज फॉस्फेट ये कॉमन होता है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट यह नाम याद करिएगा फिर से मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोलिस के अंदर ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनता गोज सिक्स बाई फॉस्फेट

पायरुविक एसिड होता है पायरुविक एसिड होता है याद कर लें जैसे मैं यहां पे लिखूं ग्लाइकोलिस देख लें इसको मैं ग्लाइकोलिस लिखूं ग्लाइकोलिस और इसको मैं यहां पे लिख दूं क्रैप्स साइकिल देख लें जरा ध्यान से क्रैप्स साइकिल तो इसको जोड़ने वाला कौन हो जाएगा यहां पे इसको कनेक्ट करने वाला कौन हो जाएगा बच्चों पायरुविक एसिड हो जाएगा क्या हो जाएगा पायरुविक एसिड या कभी कभी अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है पार्विक एसिड ना दे करके भी दिया गया है तो कभी अगर एसिड ना दे 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 करके एसिटिल ए तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा यह दोनों याद करके चलो भैया ग्लाइकोलिस को क्रैफ साइकिल को जोड़ने वाला कौन है पार्विक एसिड यह भी क्वेश्चन पूछा गया कितने कार्बन होते हैं पार्विक एसिड में तीन कार्बन पार्विक एसिड में कितने कार्बन होते हैं तीन कार्बन स्टील को कितने कार्बन होते हैं दो कार्बन इसका फार्मूला क्या होता है सी एस थ्री सी ओ सी डबल ओ एच होता है ये पार्बिक एसिड का फार्मूला है इसमें तीन कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन एस्टील एंजाइम में क्या होता है बच्चों दो कार्बन ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं आप इसको नोट कर लीजिए नोट करना चाहे तो फिलहाल आंसर यहां पे हो जाएगा चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा पार्विक अम्ल जो पार्विक अम्ल होता है वही जोड़ने का काम करता है ठीक है चलिए ठीक है अगला देखते हैं पे लिखा है हाउस फ्लाई सो फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन तो बच्चों सैप्रोजोइक होता है यह मृतोपजोई सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करती है ये ठीक है चलिए खाती खाना अपना अगला देखेंगे लिखा है बोथ इंट्रासोलर और एक्स्ट्रा सोलर डाइजेशन बच्चों केवल हाइड्रा के अंदर हाइड्रा एक दोनों टाइप का डाइजेशन होता है जो सिलेंट्रेटा का में यहां पर लिखा है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन है, है उसमें बच्चों छ से नौ मीटर कितनी होती, मीटर। होती है छह से नौ मीटर के आसपास होती है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है द स्टोरिंग ऑर्गन स्टोरिंग ऑर्गन कौन सा है तो देख लें जरा यहां पे मैं लीवर लिख रहा हूं लीवर और यहां मैं गॉल ब्लैडर लिख रहा हूं गॉल ब्लैडर याद कर लें लीवर क्या सिक्रिट करता है बच्चों लीवर सिक्रेट करेगा बाइल क्या सिक्र करेगा बाइल ये बाइल आएगा कहां पे गॉल ब्लैडर और यहीं पे आके क्या होगा बच्चों स्टोर करेगा ये बाइल तो बाइल को स्टोर करेगा कौन गॉल बैडर करता है स्टोर का काम करता है गॉल बैडर तो आप यहां दे सकते हैं पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गॉल बैडर हमेशा स्टोरेज का काम करता है निकालने का काम हमेशा लीवर करता है आप देखेंगे यहां से निकल रहा है और ये आके कहा स्टोर हो रहा है बच्चों गॉल बैडर के अंदर स्टोर हो रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है किसने लिखा है बाइक <coughs> किसने लिख रखा था बाइक चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा सौ क्वेश्चन है कंप्लीट सौ क्वेश्चन जो बिहार में आते हैं टोटल चार सौ क्वेश्चन आता है बिहार में चार सौ सौ फिजिक्स सौ केमिस्ट्री सौ बायो सौ मैथ ठीक है या एग्रीकल्चर वालों का होगा तो एग्रीकल्चर आएगा ठीक है चलिए एक क्वेश्चन चार नंबर के होते हैं टोटल बारह सौ का होता है और एक की नेगेटिव मार्किंग होती है चलिए कोई बात नहीं है मिस टाइप हो जाता है लिखा है दस सेल आप पैंक्रियाज यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो पैंक्रियाज होता है उसकी सेल क्या निकालती बच्चों वहाँ पे किस टाइप की सेल होती है उसे बोलते ए सी नार सेल ए सी आई ए सी होता है देख लें जरा पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जो पेंक्रियाज होता है बच्चों ये मिक्स ग्लैंड होती है कैसी ग्लैंड मिक्स ग्लैंड होती है पैंक्रियाज क्यों मिक्स ग्रैंड होती है क्योंकि यहाँ पे एग्जोक्राइन भी होता है एग्जोक्राइन और इंडोक्राइन भी पार्ट होता है एग्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है इंडोक्राइन में दो टाइप की सेल होती हैं अल्फा सेल होता है और बीटा सेल होता है अल्फा सेल से क्या निकलता है बच्चों ग्लूकागॉन निकलता है और बीटा सेल से क्या निकलता है बच्चों इंसुलिन निकलता है ये तो हार्मोन्स हो गए ये क्या निकालेगा बच्चों एंजाइम ये क्या निकालेगा एंजाइम निकालेगा तो पार्ट्स निकलता है एंजाइम इंडोक्राइन पार्ट्स निकलता है हार्मोन जो इंडोक्राइन होता है वो डक्टलेस होता है जो एग्जोक्राइन होता है वो डक्ट फुल वहां पर नलिकाएं होती हैं एग्जोक्राइन में चलिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं पैंक्रियास के बारे में तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला वाला चलिए अगला देखते हैं ठीक है क्वेश्चन दोनों से पूछा जा सकता है आपके स्टेट बोर्ड में जो बुकें चलती हैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता है और एनसीईआरटी तो मस्ट है क्योंकि आजकल का जो इस बार जो यूपी का जो पेपर था एग्रीकल्चर यूपी पी का वहाँ पे टोटल क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से पूछ लिया था तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में इस बार एन से ही क्वेश्चन आ जाए तो आप एन बेल प्रिपेयर करिए हम तो यही मानते हैं बाकी जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सौ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लेकिन पाँच क्वेश्चन आपको बता भी रहा हूँ अगर आप देख रहे हैं मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके ले लिए इनफ हो जाएगा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं चलिए लिखा यहाँ पे द हारमोन रिस्पॉन्स फॉर वैगस नर्व एक्टिविटी जो वैगस नर्व होता है बच्चों ये दसवीं दसवें नंबर की नर्व होती है क्रैनियल नर्व दसवें नंबर की क्रैनियल नर्व होती है इसको बोलते हैं वैगस नर्व इसी को बोलते हैं मिक्स नर्व और यह गैस्ट्रीन की वजह से क्या करती हैं बच्चों एक्टिवेट होती हैं तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है लिखा है हाउ मेनी स्पायरिकल आर प्रेजेंट इन थोरैक्स इन काकरोच बच्चों एन में लिखा गया है काकरोच के बारे में देख लें काकरोच जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा और यहाँ पे पूछा गया स्पायरिकल के बारे में देख लें स्पायरिकल क्या होता है ये बच्चों रेस्पिरेशन में मदद करता है जो रेस्पिरेशन होता है उसमें मदद करता है रेस्पिरेशन में और ये कितना पेयर होता है टेन पेयर होता है 10 पेयर होता है टोटल कितने होते हैं 20 देख लें दो पेयर होता है बच्चों थोरैक्स में दो पेयर होता है थोरैक्स में और 8 पेयर होता है एब्डोमेन में 8 पेयर होता है एब्डोमेन में देख लें बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके कर बता रहा हूं बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है टोटल कितने होते हैं 10 पेयर टोटल टोटल कितना है टेन पेयर है ये काक्रोच में रेस्पिरेशन काम करता है यहां पूछा गया है कि थोरैक्स में कितना होगा बच्चों टू पेयर होगा ये देख लें टू पेयर पाया जाएगा और अगली बार अगर क्वेश्चन पूछे बताओ एप्डोमेन में कितना होगा तो एबडोम में बच्चों एट पेयर हो जाएगा एबडोम में कितना हो जाएगा आठ पेयर हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा दस पेयर टोटल कितना हो जाएगा दस पेयर तो आप इसको नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट आपके लिये इंपॉर्टेंट हो सकता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है यहां लिखा है ई आरवी प्लस आर वी फॉर लंग्स यहां पे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पूछा गया वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़ लीजिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूछा गया ई और आर वी की वैल्यू कितनी होती है यहां पर देख लें बच्चों जो ई आर वी होता है प्लस आर वी देख लें जो ई आरबी होता, होता है बच्चों ये बारह सौ होता है बारह सो यहां पे एक हजार से ग्यारह सौ होता है बारह नहीं होता ठीक है यहां पे होगा एक हजार से एक हजार से ग्यारह होगा और आरबी कितना होगा बारह सौ होगा तो आप देख सकते हैं ग्यारह 1200 बारह कितना हो जाएगा तेईस सौ हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी या फारसी की वैल्यू कितनी हो जाती है तेईस सौ हो जाती है तो इन दोनों की वैल्यू मिलाओगे आप तो कितनी हो जाएगी यही हो जाएगा क्या बच्चों एफ आर सी हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे बच्चे बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को हाय हेलो ठीक है चलिए लिखा है विच परसेंटेज ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्टेड एज एच बी सी ओ टू यहां क्वेश्चन पूछा गया है सीओ टू के ट्रांसपोर्ट के बारे में तो देख लें बच्चों थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के बारे में जो सीओ टू ट्रांसपोर्ट होता है CO2 टू ट्रांसपोर्ट देख लें CO2 टू ट्रांसपोर्ट बच्चों लगभग 20 से 25 परसेंट लगभग 20 से 25 परसेंट यह कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों आरबीसी करती है किसको 20 परसेंट सीओ टू ट्रांसपोर्ट कौन करता है आरबीसी करती है लगभग 70 परसेंट सेवेंटी परसेंट सीओ टू ट्रांसपोर्ट कौन करता है बच्चों बाई कार्बोनेट करता है बाई कार्बोनेट कर, करता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाई कार्बोनेट ठीक है और सेवन परसेंट 7% टू सेवन परसेंट टू ट्रांसपोर्ट कौन करता है बच्चों प्लाज्मा करता है प्लाज्मा करता है तो देख ले तीनों क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको किसी भी तरीके से तो यहां पे पूछा गया सीओ टू ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है सीओ टू के द्वारा तो बच्चों तेईस परसेंट हो जाएगा बीस से पच्चीस परसेंट एवरेज होता है यहां पे लिखा है एनसीआरटी में लिखा है बीस से पच्चीस परसेंट यही लिखा है तो एवरेज हो जाएगा यहां पे तेईस परसेंट सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा यह जरूर याद कर ली ये पूरा पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, है भैया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है बिल्कुल सही लिखा है विच वन इज एलर्जिक डिजीज यहाँ क्वेश्चन पूछा ये भी एंटी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है पूछा कौन सा एलर्जी डिसऑर्डर है तो बच्चों जो सेकेंड ऑप्शन है अस्थमा अस्थमा एक एलर्जी डिसऑर्डर है तमाम सारे ग्रेन की वजह से होता है जो एटमॉस्फेयर में तमाम सारे ग्रेन उड़ रहे हैं उसकी वजह से ये अस्थमा हो जाता है यहाँ पे इम्फाइसीमा लिखा है इम्फाइसीमा बच्चों सिगरेट स्मोकिंग से होता है बहुत सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग से ये हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग से एनसीआर में दिया है एलवेलाई जो होती है एलवेलाई उसकी वाल डैमेज हो जाती है तो उसे हो जाता है ठीक है अगला लिखा है निमोनिया निमोनिया बच्चों बैक्टीरिया से होन होने वाला रोग है निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई स्ट्रेप्टो नीट में क्वेश्चन इसी बार पूछा गया है तो यह सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए तो आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से नेक्स्ट चलो देखो जरा देखा, दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन यहां क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा रोकता है तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे न्यूट्रोफिल योसिनोफिल थ्रोम्बोसाइट, बैसोफ़िल, योसिनोफिल <coughs> बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है तो यहां पे हो जाएगा जो प्रोटेक्शन करे इन्फेक्शन से इंफेक्शन कौन बचाएगा बच्चों इओसिनोफिल बाइसोफिल जो बाइसोफिल होता है ये इन्फेक्शन से बचाता है इन्फेक्शन से बचाता है तीसरा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं लिखा द सेल कंटेंट द आर आरकार्ड उसे बोलेंगे लिम्फोसाइट तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो लिम्फोसाइट होता है वहां से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा बर्ड स्क्रीट नाइट्रोजनस बेस्ड जो बर्ड होता है बच्चों वो क्या निकालता है यूरिक एसिड सीधे सीधे याद कर लें बर्ड क्या निकालेगा यूरिक एसिड निकालता है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं लिखा है एट्रियल नाइट्री फैक्टर क्या होता है बच्चों जो एट्रियल नेट्री फैक्टर होता है ये बच्चों हार्ट की वॉल से निकलता है और हार्ट की वॉल से कहां निकलता है एट्रिया से देख लें हार्ट की वॉल से आर्ट्रिया से निकलता है वो आप लोगों ने सुना होगा आर्ट्रिया नाम तो वहीं से ये निकलता है एनसीआरटी में दिया है एन में दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख लीजिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है द मोनोमेरिक एक्टिन इज कार्ड जी एक्टिन जी को बोलते हैं बच्चों ग्लोबुलर क्या बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन के नाम से इसे जानते हैं ग्लोबुलर एक्टिन के नाम से इसको जाना जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है रेड मसल क्या होती है बच्चों एन में एनसीआरटी में जहां पे आपने पढ़ा होगा मसल फाइबर के बारे में वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो रेड मसल होती है वहां पर क्या पाया था ज्यादातर ज्यादा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं रेड मसल फाइबर माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है वहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम होता है याद कर लें जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा वहां पे सार्कोप्लाज रेटिकुलम कम होगा वहां पे ऑक्सीजन क्या होगी ज्यादा होगी तो पहला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है हाउ मेनी टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट बच्चों पांच टाइप के ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में यह भी एनसीआरटी में लिखा गया है स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम आप देखेंगे तो वहां पर ज्वाइंट के बारे में दिया गया है फाइब्रस ज्वाइंट कार्टिलेजनियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट तो यहाँ पे तीन ज्वाइंट के बारे में बताया तो सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट होता है वो साइनोवियल ज्वाइंट होता है वो पांच टाइप का होता है बाल एंड सैकेट ज्वाइंट बाल एंड सैकेट ज्वाइंट नी ज्वाइंट पाईवोर्ड ज्वाइंट एक्टेस और एक्ट्रिस वाला जो होता है ये तमाम सारे वहां पर ज्वाइंट दिए गए हैं ठीक है तो आप देख लीजिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं <coughs> लिखा है दिस डाग्नोज बाई प्रेजेंस ऑफ आई जी एम यहां पर लिखा है दिस इज डायग्नोज बाई द आई जी एम क्वेश्चन पूछा गया कि जो आई जी एम एंटीबॉडी होती है इससे क्या हम डायग्नोज करते हैं तो बच्चों से हम लोग रोमैटिक फीवर जो रोमैटिक आर्थराइटिस होता है इससे इसी को हम लोग लो डायग्नोज करते हैं ठीक है एन सी आर टी में दिया गया है ये सारे नाम देख लें जरा जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है बच्चों ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ज़्यादातर फीमेल में होता है मोर कॉमन होता है फीमेल में क्योंकि यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है इस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है इस वाले में चलिए गाउट में देख लेंगे यहाँ पे यूरिक एसिड का क्रिस्टल भर जाता है यू, यूरिक एसिड क्रिस्टल ठीक है तो जोड़ों पे क्या हो जाता है इंफ्लमेशन सूजन हो जाती है इसी के वजह से गाउट में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है यहाँ पे केवल इन्फ्लेमेशन हो जाती है ठीक है चलिए बोन मास डिक्रीज हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन मास डिक्रीज हो जाता है और टूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं इस वाले में तीसरे वाले में चलिए मैंने सारी चीज बता दी है ह्यूमन स्कल्टन में आप देखिए सारा डिजीज यहां पर दिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है लैटीट्यूड के बारे में कि इसका रेंज कितना होता है तो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है इन एन एवरेज सॉइल द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये केवल पांच परसेंट होता है पांच परसेंट ऑर्गेनिक मैटर किसी भी सॉयल में पाए जाते हैं चलिए अगला देखते हैं अगला लिखा है दिस इज यहां पे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया जो भी बच्चे हैं सब एन सी के एक एक चैप्टर की एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो नहीं करना है तो आप कुछ भी ना पढ़िए एक एक लाइन एन की इंपॉर्टेंट है आपके लिए चलिए यहाँ पर लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूटेड हाइड्रोफाइट्स यहाँ पूछा कौन सा ऐसा हाइड्रोफाइट्स है था था जिसके अंदर रूट पाई जाती है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निम्फिया पहला ऑप्शन हो जाएगा निम्फिया ठीक है पहला ऑप्शन चलिए अगला देखते हैं लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच डू पीरियॉडिक माइग्रेशन अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान से तमाम सारे ग्रास ऊपर तमाम सारे टिड्डियाँ उड़ करके भारत में आ गई थी तो इनका माइग्रेशन होता है पीरियॉडिक माइग्रेशन होता है तो पाकिस्तान से जो टिड्डियाँ उड़ करके आई थी सभी लोगों ने थाली और ताली बजाई थी उसका रीजन यही था कि टिड्डियों को भगाया जाने का वो सिस्टम चल रहा था उस समय तो यहाँ पे लोकास्टा हो जाएगा लोकास्टा जो होता है ये पीरियडिक माइग्रेशन के थ्रू करता है अपना काम ठीक है चलिए अगला देखते हैं ठीक है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर लिखा है विच स्टेज कम्स फर्स्ट इन जी सक्सेशन जब कभी सक्सेशन होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है तो उसको बोलते हैं लिथोसियर जो चट्टानों को टूटने तू, में मदद करता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स लिथोसियर जिसको बोलते हैं जीराफेटिक में तो उसको बच्चों लाइकेन सबसे ज्यादा काम करता है लाइकेन पहला होता है लाइकेन मॉस एक बात और जान ले लाइकेन अलग होता है मॉस अलग होता है अगर लाइकेन और मॉस दोनों में एक चूज करना हो तो लाइकेन सबसे बेस्ट होता है एज कंपेयर टू तो मॉस मॉस एक ब्रायोफाइटा है मॉस एक ब्रायोफाइटा होता है लाइकेन सबसे ज्यादा जीराज कंडीशन में हेल्प करता है लिथोस्पियर को चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है तो पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं लिखा है विच ग्रुप हैज द दाइस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग दम एन में इकोलॉजी में सबसे लास्ट में बनाया गया है फिगर करके वहां पे फिगर में बनाया गया है ठीक है और पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्पेशीज कौन सी है फंजाई याद कर लें सबसे ज्यादा फंजाई की स्पेशीज पाई जाती है और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी फंजाई की होती है कभी नीट में क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी होती है फंजाई की होती है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लेखा इट इज स्टिमुलेंट पूछा कौन सा स्टिमुलेंट है बच्चों नो no पहला ऑप्शन हो जाएगा एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है पहला ऑप्शन चलिए अगला देखते हैं लिखा फ्लोडिंग ऑफ द फील्ड कंट्रोल जब कभी फ्लड आता है बाढ़ बूढ़ा आता है खेत का जल प्लाव किसका नियंत्रण करता है बच्चों निमाइटोड का तो आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा निमाइटोड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है चलिए अगला देखते हैं लिखा ड्यूरिंग हार्डनिंग द प्लांटलेट आर कैप्टिंग जब कभी द्विकरण के दौरान पादपों को इस अवस्था में रखा जाता है किस अवस्था में रखा जाता है तो बच्चों वहाँ पे लाइट कम हो और ह्यूमिडिटी क्या हो ज़्यादा तो रिड्यूस्ड लाइट और हाई ह्यूमिडिटी वहाँ पे होनी चाहिए तो उस कंडीशन को हम लोग हार्डनिंग के नाम से जानते हैं एच ए आर डी ई एन आई एन जी हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है चलिए अगला देखते हैं लिखा है फ्रूट सॉफ्टनिंग इज प्रमोटेड बाय जब कभी फ्रूट सॉफ्ट होता है बिल्कुल पक जाता है सॉफ्ट हो जाता है उसका रीजन होता है पॉलीगलेक्टोरोनेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है वही उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिडिल लैमिला आप लोगों ने सुना होगा एक नाम होता है मिडिल लैमिला मैं बता दे रहा हूं एक होता है मिडिल लैमिला मिडिल लैमिला ये बच्चों बना होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का ये ये भी क्या करता है घुल जाता है फ्रूट में प्रेजेंट होता है और ये घुल जाता है जैसे ही घुलता है क्या करता है फल पक जाते हैं तो यही पूछा गया कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के डिजोल्यूशन से कभी कभी हो जाता है प्लाज्मोडिसमेटा के डिजोल्यूशन से हो जाता है या ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा पॉली गलेक्टोरोनी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा हाउ मैनी हाउ मैनी क्लासेस ऑफ इम्यूनोगिन आर देयर इन ह्यूमन हमारी बॉडी के अंदर कितने इम्यूनोग्लोबिलिन होते हैं आज जान लें क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं हुआ किसी ने बताया भी नहीं हुआ आपको केवल केवल आपको आंसर टिक कराए जाते हैं आंसर से कुछ नहीं होने वाला आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके ही चलना होगा अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है ठीक है समझ में आ रहा तो बताइए समझ में आ रहा है ना बिल्कुल जो बता रहे हैं बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आ रहा है बिल्कुल भैया फटाफट बताओ एक बार आ रहा है इसके बारे में देख लें आईजी आईजी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी देख लें इम्यूनो ग्लोब्यूलिन बोला जाता है आईजी को आईजी को हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं देख लें जरा ये कितने टाइप का होता है बच्चों आईजीजी आईजीए ए आई जी एम आई जी डी आई जी ई e. देखने भैया इतने टाइप की एंटीबॉडी ये ये एंटीबॉडी हैं क्या नाम है एंटीबॉडीज होती हैं ये सब एंटीबॉडीज तो आप देख सकते हैं ये एंटीबॉडी हैं सब वन टू तो, थ्री फोर फाइव पांच टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर पांच टाइप की होती है एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर तो आप देख लें ये पांच आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन सारे लोग फॉर्म भी याद कर लें आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजीई ये सारे नाम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है चलिए देख लीजिए इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दू डीएनए इसके बाद मैं यहां पे लिख दू आरएनए यहां पे मैं आर लिख दू ठीक है आर और यहां पे मैं प्रोटीन लिख दूं प्रोटीन देख लें जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन बोला जाता है या इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं डुप्लीकेशन बोलते हैं जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जब आरएनए से डीएनए बन जाता है इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है अब देखें जरा ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं जब डीएनए से आरएनए बनेगा डीएनए से आरएनए बनेगा तो यहां पे जो एंजाइम लगेगा एंजाइम एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये यह डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो क्या बन जाएगा आरएनए जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा तो यहां पे होगा आरएनए डिपेंडेंट यहां पे होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज

आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ठीक है अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहां पे डीएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होगा जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तब आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होगा ये दो नाम याद कर लीजिए अच्छे तरीके से ये बना भी लीजिए ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला पूरा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है तो जो भी भैया नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर भैया एक बार एक बार चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर ले जाए ठीक है सभी लोग कह लो भैया कह लो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया फटाफट -पट। बिहार वाले लोग ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा लिखा है इन वैदिक टाइम्स लिविंग क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग नंबर इस क्लासेस थ्री बहुत पुराने समय में तीन क्लास में इसको डिवाइड किया गया था बहुत पुराने वैदिक काल में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है एंथ्राक्स किसकी वैसे होता है बच्चों ये बैक्टीरियल डिजीज होता है एंथराक्स और उस किसकी वहस होता है उसका नाम होता है बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेसिस ये बैक्टीरिया डिजीज होती है चलिए अगला देखते हैं लिखा है हु दॉमल क्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन क्लाल्ड होमोसेपियंस बच्चों बाय नॉमियल नॉर्मल क्लेचर देने वाले साइंटिस्ट थे कैरोलस लेनियस मैं कई बार बता चुका हूँ कई बार बता चुका हूं जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करें उस पर हमारे पाँच छः सौ वीडियो पड़े हैं बिल्कुल आप एक एक वीडियो रिसेंटली वाले पढ़ डालिए बिल्कुल ज़बरदस्त अगर सेलेक्ट होना है तो एक बार चैनल को जरूर खोलिए तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी सर्च करिए बिल्कुल सभी लोग कानपुर लाइव क्लास कानपुर से लाइव क्लास इसमें चल रही है आपको बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बिहार से हमारे यहाँ ऑफलाइन जब हमारी क्लास चलती हैं तो हमारे यहाँ आके पढ़ के गए हैं लगभग पचास साठ सत्तर सौ बच्चा है पिछले साल दो में ठीक है दो अगर महामारी ना आई होती तो शायद सौ दो बच्चा बिहार से आता हमारे पास और सारे बच्चे बिल्कुल सिलेक्ट होकर के जाते हैं बिल्कुल चलिए तो यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ अगला देखते हैं अगला, है, the following is बच्चों इसकी को क्या करते, है? करते हैं ये बी एनसीआर ने लिखा है कि जो एमियोसेंटिस होता है साथ साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करने में किया जाता है ठीक है ये टी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिया है सेकेंड एनसीआर में चलिए अगला देखते हैं अगला देखते हैं लेकिन 98 ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनियम इज मेड ऑफ दी जो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने 98 एनिमल है ज्यादातर जिसमें एलिमेंट पाए जाते हैं वो बच्चों छह टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं ज्यादातर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस देख लें तीन तीन ये टाइप के एलिमेंट आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए छह टाइप के एनिमल मस्ट बी प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस ये छह टाइप के होने चाहिए तो आंसर वहां पे हो गया सेकंड चलिए अगला देखते हैं लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बच्चों फैटी एसिड

नेक्स्ट देखेंगे लिखा है मिलर एक्सपेरिमेंट जो इसी बार नीट क्वेश्चन नीट में ट्वेंटी ट्वेंटी यही क्वेश्चन आया था बिल्कुल मिलर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर पूछा था मिलर एक्सपेरिमेंट फॉलो विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सा नहीं था तो बच्चों एच नहीं था एच नहीं था जबकि वहां पर मीथेन मीथेन हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे, पे अमोनिया लिख दिया है मीथेन यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोजन मीथेन में लिख दे रहा हूँ सी एस फोर यह टू इज टू वन इज टू टू के रेशियो में पाया जाता है यह वाला नहीं होता है. इसका आंसर हो गया फर्स्ट यहां पूछा गया कौन सा नहीं होता नॉट फाउंड कौन सा नहीं होता तो पहला ऑप्शन सही हो गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ दी फॉलोइंग फर्स्ट कैटेलेटिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैटालिटिक नेचर कौन होता बच्चों? Density, है बच्चों आरएनए का सेकंड एनसीआर टी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खोलिए पहला चैप्टर पहली दूसरा पेज पहला दूसरा पेज आप पढ़ लीजिए वहां पे दिया है आर आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए आरएनए बिल्कुल कैटालिटिक नेचर का होता है सबसे पुराना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आर होता है और रिसेंटली जो खोज के अनुसार जो पह, बाद में आया वो कौन आया डी आया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है <coughs> दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉगस ऑर्गन इसी बार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में यह क्वेश्चन आया था कि एनोलॉगस और होमोलॉगस के बारे में देख लें जरा ब्रेन ऑफ फिश एंड ह्यूमन ये बच्चों कैसा होगा ये होमोलॉगस है यह कैसा है होमोलॉगस फिर लिखा थॉर्न ऑफ टेंडिल एंड यह भी कैसा है होमोलॉगस है यह एनसीआरटी में सारे एग्जाम्पल दिए होमोलॉगस फोलिम यह भी कैसा है होमोलॉगस है याद कर लें कैसा है होमोलॉगस ये जो तीसरा वाला है बच्चों ये एनालॉगस है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है सेम आप देखेंगे चिड़िया बर्ड क्या है वर्टिब्रेट और बटरफ्लाई क्या है इनवर्टीब्रेट दोनों का ग्रुप ही अलग है ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन दोनों उड़ने में मदद करते हैं तो इस वजह से कैसे हो गए होमो एनालॉगस हो गए तो आंसर तीसरा यहाँ पे सही हो गया एनालॉगस एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए एनसीआरटी में यह भी दिया है यह भी दिया है और यह भी दिया है तीनों दे गए हैं तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनसीआर इस बार जो क्वेश्चन आया है नीट में पूछा था फ्लि, फ्लिपर ऑफ पेंग्विन एंड डॉल्फिन फ्लिपर ऑफ पेंग्विन एंड डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था वो एनालॉगस होता है एनसीआरटी में दिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लिखा है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन पूछा कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है तो बच्चों इंटेस्टाइन हमारे अंदर फंक्शनल है हमारे अंदर इंटेस्टाइन काम कर रही है फंक्शनल है ये वेस्टिजियल नहीं है बाकी ये तीनों कैसे हैं ये तीनों वेस्टिजियल हैं ये तीनों वेस्टिजियल हैं चलिए अगला देखते हैं लिखा है दिस इज बिलीव टू बी इवॉल्व सिनोजोइक बच्चों ब्राई सिनोजोइक में आया पहला ऑप्शन देख लीजिए पहला ऑप्शन सही हो गया यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है विच इज द हाइएस्ट इन द हेरासी ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कल मैंने बताया था जिन बच्चों ने कल क्लास किया होगा हमने बताया था के पी सी ओ फंगस करके ऐसे करके बताया था के पी सी ओ फंग से किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज आप देखेंगे सबसे लोवेस्ट कौन होता है स्पेसीज उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जीनस उसके बाद थोड़ा सा ऊपर फैमिली उसके बाद ऑर्डर तो आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा यहां पे हाईएस्ट कौन हो जाएगा ऑर्डर आप देख लें यहां से हम चलें बिल्कुल यहां से यहां तक यह सबसे हाईएस्ट ऊपर ये है और ये भी किंगडम दिया नहीं है तो यहां पे ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग पहला चैप्टर है सी फर्स्ट पहला चैप्टर दिया है ये चलिए अगला देखते हैं लिखा है तुलसी ऑर्डर ऑफ तुलसी तुलसी को हम लोग ऑसिमम बोलते हैं वो किस ऑर्डर का है बच्चों ये ऑर्डर हो जाएगा लेमी एल्स सेकेंड ऑप्शन सही से हो जाएगा लेमी एल्स चलिए अगला देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है काइटिन काइटिन क्या होता है बच्चों पॉलीसेक्राइड काइटिन पॉलीसेक्राइड और यह सेलवाल किसकी होती है बच्चों काइटिन काइटिन की जो सेलवाल होती है वो किसने पाई जाती है बच्चों फंगाई में जो फंगस होता है फंजाई में पाया जाता है काइटिन की सेलवाल ये भी याद कर लें काइटिन की सेलवाल फंजाई में दूसरा ऑप्शन सही हो गया देखेंगे लिखा है रस्ट रस्ट बच्चों किसमें होता है बेसिडियो जान लें दो नाम पक्सिनिया पक्सिनिया और अस्मट। पक्सीनिया और अस्मट, ठीक है पक्सीनिया और अस्मट। पक्सीनिया से बच्चों होगा रस्ट पक्सीनिया से होगा रस्ट और अस्टिलैगो से अस्टिलैगो से होगा असमठ ये दोनों जो होते हैं बच्चों ये किस में होते हैं बेसिडियो माइसिटीज में पहला ऑप्शन से हो जाएगा बेसिडियो माइसिटीज में पाए जाते हैं ये दोनों फंजाई होती हैं ये सब क्या है बच्चों कवक होते हैं फंजाई होते हैं तो यहां पे नोट कर लीजिए चलिए अगला देखते हैं अगला लिखा है विच इज नाइटा यहाँ पे कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिए एलगी के एग्जाम्पल ब्राया फाइटरपल टेडो फाइटर केवल एनसीआर टी से वोली एनसीआर टी से आप एग्जाम याद कर लीजिए यहां पर लाइकोफसीडा बच्चों ये टेरिडोफाइटा का है ये किसका है टेरिडोफाइटा का होता है ये टेरिडोफाइटा का है बाकी ये तीनों कैसे हैं बच्चों ब्रायोफाइटा तो यहां पूछा है कौन सा नहीं है तो ये होता है बच्चों टेडो चलिए अगला देख लेते हैं लिखा है दिस प्रूव ब्राउन कलर ऑफ एलगी जो एलगी होता है बच्चों उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है ब्राउन कलर वाले में ब्राउन कलर एलगी क्लोरोफिल ए और सी होता है और उसके साथ साथ उसमें फ्यूकोजेंथिन और जैंथोफिल भी पाया जाता है तो यहाँ पे आंसर हो गया तीसरा वाला ये भी एन में दिया है एन रेड एलगी ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी सब पढ़ लीजिए आप वहाँ पे दिया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है लिखा है विच वन इज रेड एलगी यहां पे पूछा गया कौन सा रेड एलगी होता तो देख लें थोड़ा सा रेड एलगी के बारे में बच्चों जो रेड एलगी होता है रेड एलगी पहला होता बच्चों जेलेडियम क्या होता है जेलेडियम फिर होता है ग्रेसील फिर होता है पोरफाइरा फिर होता है पॉलीसाइफोनिया पॉलिसाइफोनिया तो यहां पे आंसर हो जाएगा जेलेडियम, जेलेडियम कैसा होता है और यहां पे एक और होता है क्लोरेला क्लोरेला इसी बार ये नीट में आया था नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरेला कैसी एल्गी है ये ग्रीन एल्गी है लेकिन ये ये ग्रीन एल्गी है बच्चों कैसी एल्गी है ये ग्रीन एल्गी है ठीक है इसमें नहीं आएगा ये तो याद कर लीजिए इतना ठीक है चलिए तो आंसर यहाँ पे हो गया पहला बाकी ये तीनों कैसे हैं बच्चों ग्रीन एल्गी हैं कैसी एलगी हैं तीनों ग्रीन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने लिख दिया सारे एग्जाम्पल उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ठीक है चलिए एक बार बता दीजिए कि हाँ भैया समय में आया बिल्कुल हम लोगों ने सौ क्वेश्चन कर लिए हैं 2015 के पूरे कंप्लीट सौ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी और बहुत सारे बच्चों को आप शेयर भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए जो आपके ग्रुप में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं एक बार शेयर तो बनता ही है और देखते हैं कल कौन सी क्लास होती है इसके बाद शायद केमिस्ट्री क्लास है ना सर दस बजे है केमिस्ट्री क्लास केमिस्ट्री क्लास दस बजे आपकी बी की है चलिए खा पी के बिल्कुल तैयार हो जाइए ठीक है अगर समझ में आया तो बिल्कुल ये ये बता दीजिए एक बार समझ में आया कि बहुत बढ़िया समझ में आया ये भी बताइए ठीक है चलिए मिलते हैं कल के लिए धन्यवाद